हेलो फ्रेंड्स, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं और आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल गाजर के हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, गाजर का हलवा सबको बहुत पसंद होता है, तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार गाजर का हलवा जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और इसको बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चेतनाज किचन में। तो चलिए आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, और जहाँ तक मुझे पता है गाजर का हलवा सबको बहुत पसंद होता है। तो चलिए, सबसे पहले मैंने 1 किलो के करीब गाजर ली है और गाजर को सबसे पहले अच्छे से वॉश करना है हमें। तो आप देख पा रहे होंगे मार्केट में गाजर आसानी से मिल रही है फ़िलहाल, क्योंकि अभी गाजर आ चुकी हैं। तो मैंने गाजर को जो पीलर होता है, फिर चाकू की सहायता से इसके जो ऊपर वाला छिलका होता है वो हमें उतार देना है, और ये जो ग्रेटर होता है इसकी सहायता से हमें इसको कद्दूकस कर लेना है कद्दू। और आप चाहो तो मिक्सी में भी इसको ग्राइंड कर सकते हो, बट फ्रेंड्स यहाँ पे अगर कद्दूकस करके बनाते हैं ना तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और दिखने में भी बहुत अच्छा आता है होता है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे पूरी गाजर को अच्छे से कद्दूकस कर लिया। आप देख पा रहे होंगे कद्दूकस आप कौन से भी साइड से कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है, बट मेरे हिसाब से जो ग्रेटर में सबसे मोटा वाला होता है वो सही रहता है, क्योंकि फटाफट हो जाता है उससे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर डालेंगे घी, कौन सा भी घी, बट घी इसके अंदर मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के करीब देसी घी डाला है। देसी घी से बहुत अच्छा फ्लेवर भी आ जाता है और इसमें अच्छा टेस्ट आ जाता है गाजर के हलवे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे घी के मेल्ट होने के बाद में हम इसके अंदर डालेंगे कद्दूकस की हुई गाजर। और फ्रेंड्स, जो गाजर का हलवा है ना, वो बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद होता है और शायद सबसे बेस्ट भी यही लगता है, और सर्दियों में तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है, तो हमने यहाँ पे गाजर के हलवे की बहुत ही आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि हर कोई इसको बना ले, और इसको बनाने का तरीका जो है वो बहुत ही आसान है। तो ये देखिए, मैंने कढ़ाई के अंदर कद्दूकस की हुई गाजर डाल देंगे और अच्छे से इसको रोस्ट कर लेंगे लगभग 1 से 1.5 मिनट तक। इससे क्या होता है, गाजर में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है अगर घी के अंदर हम इसको रोस्ट करते हैं। वैसे गाजर का हलवा बहुत टाइप से बना सकते हैं और वास्तव में टेस्टी भी बनता है, बट आप एक बार इस तरीके से बनाओगे ना तो आपको बिलीव नहीं होगा इतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा ये गाजर का हलवा। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे पूरी गाजर को इसके अंदर ऐड कर दिया है कढ़ाई के अंदर, और कढ़ाई आप इतनी थोड़ी बड़ी लेंगे ताकि इसके अंदर हम दूध डालें वो भी अच्छे से इसके अंदर पक जाए दूध के साथ गाजर। तो इतनी बड़ी कढ़ाई हमें लेनी है आगे चलने के हिसाब से कि हम दूध डालेंगे तो वो इसमें आ जाए बस। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरी गाजर डाल दी है और लगभग 1 से 1.5 मिनट तक मैंने गाजर को घी के अंदर अच्छे से रोस्ट कर लिया है उलट पलट के अच्छे तरीके से। और यहाँ पे जो गैस का फ्लेम है वो कम ही रखना है, तो मैंने यहाँ पे ये देखिए कम ही कर रखा है, आप देख पा रहे होंगे। और गाजर को अच्छे से मिक्स कर दिया है, बस बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है इसके अंदर। और अब हम इसके अंदर डालेंगे दूध। तो मैंने यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फुल क्रीम दूध लिया है, जिसके अंदर मलाई भी खूब सारी थी, जैसे एक दिन की जो मलाई होती है दूध के ऊपर आ जाती है वो पूरी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम इसके अंदर अच्छी चीज़ें ऐड करेंगे तो तभी हमारा जो गाजर का हलवा है वो अच्छा बन पाएगा, उसमें टेस्ट अच्छा आ पाएगा। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे मलाई और दूध डाल दिया है, और दूध हम इसके अंदर और डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 किलो गाजर के अंदर लगभग 700 ml के करीब दूध डाल दिया था, और इससे बहुत अच्छा हलवा बना हमारा, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सबको बहुत अच्छा लगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दूध को अच्छे से इसके अंदर डीप कर दिया है, मतलब गाजर है वो डीप हो चुकी है दूध के अंदर, और गैस का फ्लेम यहाँ पे कम ही रखेंगे। तो ये देखिए, दूध पकने में आ गया है, थोड़ा पक भी चुका है, आप देख पा रहे होंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे 3 छोटी चम्मच के करीब मिल्क पाउडर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास और मलाई है तो वो डाल दीजिए। और मैंने इसके अंदर डाल दिया है 3 चम्मच के करीब ही नारियल का बुरादा, और ये इलायची, अगर पाउडर है तो आप पाउडर डाल दीजिए। और मैंने यहाँ पे इलायची को कूट के डाला है। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे चीनी, चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, क्योंकि इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि जो गाजर होती है ना वो भी मीठी होती है, और चीनी उसके अकॉर्डिंग डालेंगे। और सबको मैंने वैसे 1 किलो गाजर के अंदर और लगभग 300 ग्राम के करीब चीनी डाल दी थी। तो ये देखिए, मीठा अपने हिसाब से कर सकते हो आप, ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने डाली वो ही आप डालें, ये ज़रूरी नहीं है। मीठा कम खाते हैं कई लोग, ज़्यादा भी खाते हैं, उसके हिसाब से आप कर सकते हो। सभी चीज़ें हमने मिक्स कर दी है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा कलर डाल दूँगी फ्रेंड्स। कलर वैसे कलर से टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कलर क्या होता है, दिखने में थोड़ा अच्छा लगे, इसलिए मैंने यहाँ पे एक कलर डाल रही हूँ, क्योंकि बच्चे हैं वो कलर देख के ही खाते हैं कोई भी चीज़ हो जाए।
तो ये देखिए मैंने ये कलर डाल दिया है, जो संतरा लाल कलर होता है ना वो डाल दिया है मैंने यहाँ पे। तो कलर को कर देंगे अच्छे से मिक्स इसके अंदर, ताकि इसके अंदर बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसको पकने देते हैं। गैस का फ्लेम यहाँ पे कम ही रखेंगे, कम फ्लेम पर इसको पकने देंगे। इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करके, ताकि गाजर है वो अच्छे से दूध के अंदर पक जाए। तो हम ढक्कन लगा के लगभग इसको 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। 3 से 4 मिनट के बाद में कुकर इसका जो कढ़ाई का ढक्कन है वो ओपन करते हैं और देखते हैं जो दूध है वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो गया है, आप देख पा रहे होंगे। और जो हलवा है वो भी बिल्कुल अच्छे से पक के रेडी हो चुका है। बस अब हम इसके थोड़ा सा और पका लेते हैं, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा और दूध होता है, गाजर का जो पानी होता है वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए अच्छे से, और जो गाजर है वो बिल्कुल तैयार हो जाए हमारा हलवा खाने में। तो हम इसके अंदर जो कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, जो भी आपको पसंद हो, काजू, किशमिश, बादाम, कुछ भी। बट मैंने यहाँ पे बादाम डाले हैं, लगभग 7 से 8 बादाम को मैंने अच्छे से क्रश कर लिया था और उनको डाल दिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा जो गाजर का हलवा है वो बन के रेडी हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा, और दिखने में भी आपको दिखाई दे रहा होगा कितना अच्छा लग रहा है, दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कलर की वजह से इसमें बहुत अच्छा कलर भी आ चुका है। वैसे कलर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो ऐड कर सकते हो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। बस ऐसा है कि दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। तो ये देखिए आपको पास से दिखा देते हैं हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी गाजर का हलवा बना है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको अलग बर्तन में निकाल देते हैं। गाजर का हलवा बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। तो आप भी झटपट अपने किचन में जाइए और गाजर का हलवा बनाइए, सबको खिलाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था फ्रेंड्स ये, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो मैंने उसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट या फिर आपके पास पिस्ता वगैरह है तो वो भी डाल सकते हो और अपने गाजर के हलवे को डेकोरेट और स्वादिष्ट बना सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स कैसा लगा हमारा ये गाजर का हलवा आपको, और आप भी एक बार जरूर ट्राई करना इस गाजर के हलवे की रेसिपी, जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। और फ्रेंड्स इसको हम स्टोर करके भी रख सकते हैं, बट गाजर का हलवा ऐसी चीज़ होती है जिसको शायद स्टोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बच्चे इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बड़ों को भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा यम्मी सा हमारा गाजर का हलवा खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आपको भी मन कर रहा है ना तो आप भी फटाफट इसको बना के और खा सकते हो, बच्चों को खिला सकते हो, घर वालों को खिला सकते हो। तो ओके फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी आज की हमारी ये रेसिपी, और लाइक करना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। और आप भी एक बार इस मौसम में, इस सर्दी स्टार्ट हो गई है, इस मौसम में गाजर का हलवा ज़रूर बनाना, जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ओके फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।